कल की वीडियो में फ्रेंड्स हमने होममेड इंक बनाया था, तो चलिए आज बनाते हैं होममेड इंक स्टैम्प पैड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक कंटेनर एंड डबल साइडेड टेप के हेल्प से यहाँ पर एक स्पॉन्ज के पीस मैं स्टिक कर रही हूँ। तो ये वाला स्पॉन्ज बेसिकली आपको किसी भी पैकिंग मटेरियल में मिल जाएगा। मोस्टली जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये वाला स्पॉन्ज उसमें आता है, तो बस वही है ये। तो फ्रेंड्स चलिए अभी इसका फ्रंट कवर बना देते हैं। ये स्टैम्प पैड आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, इवन क्राफ्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसे इसे यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले आप जो हमारी होममेड इंक थी वो डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर आपको होममेड इंक डालना है एंड अच्छे इसे इसमें डाल देना है, इसे स्प्रेड कर देना है। तो देखिए स्प्रेड करने के बाद इसे आप चाहिए ना बीच बीच में होल्स भी कर देना ताकि अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली हमारा स्टैम्प पैड बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए अभी इसे टेस्ट करके देखते हैं। हमने इंक को भी टेस्ट नहीं किया था तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो चलिए आज दोनों की टेस्टिंग हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं वाला स्टैम्प मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, आपने इस पर वीडियो देखा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्राफ्टिंग में भी यूज कर सकते हो एंड बहुत सारी चीजों में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।